हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग एज स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। आज हम हमारे मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हम कर रहे हैं हमारे मैथ का सेकेंड चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर, इसके एक्सरसाइज में जाने से पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद हम इसके बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके नाम को ही जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता क्या है। इसके नाम को इसके हिंदी हिंदी के नाम से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी में इसका नाम है बहुपद। ठीक है ना, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, बहु प्लस में पद। ये बहु सास बहु वाली बहु नहीं है, ये बहु बहुत वाला है। ठीक है ना, बहुत वाला बहु है, यानी कि बहु पद मतलब बहुत सारे पद। ठीक है, बहु पद मतलब बहुत सारे पद। ठीक है ना, और पॉलिनोमियल्स में भी इस पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, और ये नॉमियल्स के अंदर जो आ रहा है, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब भी क्या होता है, मैनी टर्म्स, जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है, उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनी चीज को क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल्स। हिंदी में उसी चीज को बोले, बहुत सारे पदों से मिलकर बनी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा फिलहाल, कि बहुत सारे पद पर बहुत सारे, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे टर्म्स, पर आपको यह बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन से टर्म्स। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स तो हम बोल रहे हैं, पर ये टर्म्स हैं कौन से। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में जो बहुत सारे टर्म्स हैं, एक्चुअल में जो मैथ है आपके डेली लाइफ से रिलेट करती है। ठीक है, तो उसी में चीजें जोड़ जोड़ के, जब दो चीजें आपस में अलग अलग तरह की चीजें जुड़ती हैं, माइनस होती हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों को ही पॉलिनोमियल्स के अंदर ये टर्म्स के रूप में हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जब आप पूरी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर बात करें, हमारे रियल लाइफ इसका क्या वास्ता है अगर उसको छोड़ दें, तो हम इसके अंदर एक्स वाई के बेस, मतलब एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल के तौर पे जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत सारे टर्म्स के रूप में आता है। ठीक है ना, तो हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। हिंदी में कहते हैं इसको अचर, इसको कहते हैं चर, और इसको कहते हैं अचर। ठीक है, बहुपद जो होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से, यानी चर और अचर से। वेरिएबल कौन होते हैं, वो जो वेरी कर सकते हैं, वेरी मतलब जो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, और जो चेंज नहीं हो सकते उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, और जो चेंज नहीं हो सकते हम उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो पहली बात, क्या चेंज नहीं हो, क्या चेंज हो सकता है। तो मैथ्स के अंदर आप लोगों ने बहुत चीजों के लिए, आप मान लेते हैं उनकी वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं, और इनकी वैल्यू कुछ भी आ जाती है, हर अलग क्वेश्चन में अलग वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी भी, मतलब इसके कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू वन ही आएगी या टू ही आएगी, ऐसा कुछ। तो ये वेरिएबल होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, और कांस्टेंट कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलते, और वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे नंबर्स, चाहे प्लस के, चाहे माइनस के, चाहे फ्रैक्शन, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है। ठीक है, उनकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है क्या, क्या कभी आप वन की वैल्यू को टू के बराबर लिख सकते हो कि वन इज इक्वल टू ए टू, नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि ये हमेशा, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है दो चीज से मिलकर बनता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बनता कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं।
तो आपने देखा है बहुत बार कुछ ऐसे टर्म्स जुड़ते हुए या माइनस होते हुए या आपस में जुड़ जाते हैं या ऐसा कुछ माइनस हो जाता है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं। आपने अभी सुना पॉलिनोमियल्स के बारे में और आपने एक वर्ड सुन रखा है इक्वेशन, दो वर्ड सुने आपने, ठीक है ना? एक है पॉलिनोमियल और दूसरा है इक्वेशन। तो मैं पूछना चाहूंगा कि दोनों में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? तो आप जानेंगे कि भाई पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है। अगर मैंने लिखा 2x+3y, ठीक है, और मैं यहां पे भी वही लिख रहा हूं, पर मैंने यहां पे क्या किया, इज इक्वल टू मैं कुछ लिख दिया, चाहे 0, 1, 2 कुछ भी लिखा ऐसा, ठीक है। तो इनमें क्या फर्क होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में? इनके बीच में यही फर्क है कि इक्वेशन के इक्वल में कुछ होता है, इक्वेशन के इक्वल में कुछ होता है, कोई ये किसी चीज के बराबर होता है। क्योंकि इक्वेशन में हाँ आप हमेशा इक्वेट करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं समीकरण, हिंदी में आपने वर्ड सुना है समीकरण, और इसका नाम है बहुपद। तो बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है कि समीकरण जो होता है वो हमेशा दो दो साइड से होता है, ठीक है ना? किसी एक साइड और उसके इक्वल में कुछ दूसरी चीज भी होती है जिसके वो इक्वल होता है, ठीक है ना? हमेशा इसमें इक्वल का साइन लगता है और उसके सामने कोई वैल्यू होती है। पर पॉलिनोमियल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसमें ये किसी के इक्वल या हम वो नहीं बताते, ठीक है, कि इसके ये किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में बस सम ऑफ सम या डिफरेंस ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, कि जब इनके बीच में प्लस या माइनस ऐसा कुछ होता है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके अगर इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा तो ये पॉलिनोमियल है, और इक्वल में कुछ लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, ठीक है? ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स में ऐसे सम या माइनस होता है। अब पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये मिटा रहा हूं। पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, वी या कैटेगराइज करते हैं बोल सकते हो, वी कैटेगराइज पॉलिनोमियल ऑन टू बेसिस, ठीक है? हिंदी में लिख सकते हैं हम कि हम बहुपद को दो प्रकार से या दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पहला पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है? कि भाई आप कैसे, मतलब पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करते हो, तो ये दो बेसिस पे किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पे हम कैसे अलग करते हैं पॉलिनोमियल को, कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैंने लिखा 2x, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, इसको बताने से पहले मैं यहां कुछ छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको समझ लो। जब भी दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होती है ना, जब भी एक चाहे वेरिएबल और एक नॉन एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो, चाहे दोनों कांस्टेंट हो चाहे दोनों वेरिएबल हो, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई के बाद भी ये एक ही टर्म होता है। मल्टीप्लाई में भी ये कितना टर्म होता है? एक टर्म। मल्टीप्लाई होने में भी ये क्या कितने टर्म होता है? एक टर्म। अगर मैं पूछूं ये कितने टर्म है तो आप बोलोगे ये एक टर्म है, ठीक है? मैं पूछूं ये कितने टर्म है तो ये भी एक टर्म है, ये कितने टर्म है ये भी एक टर्म है, ठीक है?
मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, अगर मैं कर रहा हूं 3 अपॉन या x अपॉन 5 ऐसा कुछ भी मैंने लिख दिया, ये भी एक टर्म है। ठीक है, टर्म अलग कब होते हैं? ठीक है, टर्म अलग कब होते हैं? जब उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है। ठीक है, जब उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो टर्म अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y, तो इसमें ये दो टर्म हो गए। अब कितने टर्म हो गए? ये दो टर्म, कितने टर्म हो गए? दो टर्म। जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, अभी अगर मैं इसके बीच में क्या लगा दूं, माइनस 7x माइनस 4y, तो अभी भी कितने टर्म है? दो टर्म। तो टर्म कब अलग होता है? जब उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आए। ठीक है, प्लस और माइनस के साइन में टर्म अलग हो जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म अलग नहीं होते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं लिख रहा हूं ऐसे ए बी सी और पूछू कितने टर्म है, तो आप बोलोगे ये एक टर्म है। भले आपको तीन वेरिएबल दिख रहे हैं पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ए बी सी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये अपने आप में फिलहाल अभी कितने टर्म है? एक टर्म। अगर मैं इसी की जगह लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, अब आप बोलोगे ये कितने टर्म है? ये है तीन टर्म। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो वो एक टर्म होता है, प्लस या माइनस के फॉर्म में होता है तो वो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो वही यही पहली चीज है कि ऑन द नंबर बेसिस और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये एक ही टर्म है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये एक ही टर्म है तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? मोनोमियल। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं एक पद, एक पद। ठीक है, अगला मैं लिख रहा हूं अगर 3x माइनस 4y, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, 3x माइनस 4y। ठीक है, तो यहां पे कितने टर्म आ गए? दो टर्म। ये कितने टर्म आ गए? दो टर्म। और दो टर्म वाले को बोला जाता है बाइनोमियल, दो टर्म वाले को क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। हिंदी में कहते हैं द्विपद, हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपद। ठीक है, अगला है, अगला मैं लिख रहा हूं 7x प्लस 3y माइनस 4z, मैंने कुछ ऐसा लिखा। अब कितने टर्म है? अब तीन टर्म है, एक दो तीन, बीच में प्लस माइनस आ रहा है ना, तो एक दो तीन अलग अलग हो गए, तो अलग तीन टर्म वाले को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिपद। तो ऐसे ही और आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्वाट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नॉनानोमियल, डेकानोमियल। ठीक है ना, तो बहुत सारे आगे होते हैं, पर आपको तीन के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको मोनोमियल याद रखना है, बाइनोमियल याद रखना है, ट्राइनोमियल याद रखना है और पॉलिनोमियल याद रखना है। इसके आगे जितना भी हो जाए, अगर मैं लिख रहा हूं 3a प्लस 2b माइनस 7c प्लस 5, अब मैं पूछूं ये कौन सा है, तो आप इसको पॉलिनोमियल बता देना। क्या बता दोगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके आगे आपको बोल देना पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तीन तक नाम याद रखना है, पर इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है। क्या? अगर मैंने लिखा सिर्फ कोई एक नंबर 6 या माइनस 6 या 1 2 3 4, कुछ भी, कोई भी नंबर लिख दिया। ठीक है, अब मैं पूछूं बताओ ये कितने टर्म है या कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को मतलब नंबर के बेसिस पे बोला जाए तो, चलो इसको भी बाद में समझेंगे। ठीक है, अगले कैटेगरी में, इसको इसमें नहीं समझेंगे, इसको अगले कैटेगरी में समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा है, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, चार टर्म वाले को चार या उससे ज्यादा टर्म वाले को पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक सिंगल टर्म वाला मोनोमियल होता है यानी एक पद होता है, दो टर्म वाला द्विपद, तीन वाला त्रिपद, उससे आगे आपको सबको क्या कह देना है? बहुपद। ठीक है, तो ये पहला कैटेगराइजेशन हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। दूसरा जो होता है,
दूसरा हम जो इसको कैटेगराइज करते हैं, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने, नोट कर लेना पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप पीछे का नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं मिटा रहा हूं। अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पदों की घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे कैसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे अलग करते हैं, पहले यहां पे सबसे पहला वर्ड आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है जो पॉलिनोमियल की पावर होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल की पावर को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे पता लगाते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पता लगाते हैं जो उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 7, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप इसमें सबसे बड़ी पावर ढूंढेंगे कि वेरिएबल की, किसकी, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसकी आप पावर किसकी देखनी है आपको, वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो है आपका, उनकी उनके उनकी सबसे बड़ी पावर ढूंढो। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पावर कितनी है, 7। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 7। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। तो इसकी डिग्री आ गई 7। मैंने लिखा 3x की पावर 5 माइनस या प्लस 4y की पावर 9 माइनस 8। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ इसकी डिग्री बताओ, ठीक है। मैंने डिग्री पूछी इसकी, तो आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है, वेरिएबल की पावर। तो बताओ यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ y की पावर 9 है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हुई, 9। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 9। तो इसकी डिग्री, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 9। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में, वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है ना, वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 7, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 9, ठीक है। ऐसे ही और भी अगर आपको कुछ दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने आपसे पूछा 7 की पावर 102x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 197 वाई की पावर 5 प्लस 6, इसकी डिग्री बताओ। हाँ भाई, तो आप लोग सब इसकी पावर बता सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं। अब कुछ महान बच्चे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि इसका आंसर कितना है, 197। इसका आंसर कितना है, 197, क्योंकि उनको सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 197। पर मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि आपको कभी भी पावर जो देखनी है, डिग्री जो देखनी है, वो हमेशा वेरिएबल की देखनी है। किसकी देखनी है, वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की, इनकी नहीं देखनी। ये तो कॉफिशियंट्स हैं, अभी कॉफिशियंट के बारे में बताता हूं मैं, ठीक है। ये तो कॉफिशियंट है, हमें इनकी पावर नहीं देखनी, हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी है। और तो यानी कि ये उसकी डिग्री नहीं है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी डिग्री दिख रही है वो हमें कितनी दे रखी है, 5। एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, 5। हमें नंबर की पावर नहीं देखनी कभी, हमें एक्स वाई जेड की पावर देखनी है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, नंबर की पावर चाहे जितनी मर्जी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पावर जो है हमेशा किसकी देखनी है, हमें पावर देखनी है हमेशा वेरिएबल की, ठीक है। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वही इसके पूरे की पावर है। तो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है 5, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो गई, 5। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जो पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को बांटते कैसे, के बेसिस पे बांटते कैसे हैं पॉलिनोमियल को, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके पीछे करके, ठीक है।
अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे नापते हैं, मतलब उसके बेसिस पे कैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो अगर मैंने लिखा 3x प्लस 2, अच्छा एक बात और कि इस वाले आपकी जो बुक में ना क्वेश्चंस है, मतलब इस चैप्टर में जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पावर तो है उनमें, ठीक है ना, डिग्री तो दो तीन के बारे में है, पर उसमें वेरिएबल सिंगल यूज हो रहा है, एक वेरिएबल के बेसिस पे, ठीक है ना। वेरिएबल कितना यूज हो रहा है, एक, तो वन वेरिएबल में आपको पढ़ना है इसे। कितने वेरिएबल में पढ़ना है, वन वेरिएबल में, ठीक है, आपके कोर्स में जो है वन वेरिएबल का है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 7, तो मैं पूछूंगा कि बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बताएंगे कि इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी पावर ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा तो उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, उसकी डिग्री हो गई 1, यानी हिंदी में डिग्री को कहते हैं घात, हमेशा याद रखना, हिंदी में डिग्री को पता होगा आप लोगों को घात कहते हैं, ठीक है, तो 1। और इसका नाम पूछा जाए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री के बेसिस पे ये है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो याद रखना आपको, जो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, और हिंदी में बोला जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। अगर मैं बोलूं 7x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 3x और प्लस में 9, कुछ ऐसा बोला मैंने, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपको दिख रही है 2। मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है, 2। जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने लिखा माइनस का 7, कुछ भी लिख लो, माइनस का 5x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 9, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, इसमें मैक्सिमम पावर दिख रही है हमें 3। मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है लीनियर, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है क्यूबिक। एक और जो मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर मैंने सिर्फ एक नंबर लिख दिया, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 6, अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 6, तो मैं पूछूंगा ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बताएंगे कि इसकी मैक्सिमम, अगर मैं पूछूं तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम पावर जो है, इसकी जो डिग्री है वो है 0। उसकी डिग्री कितनी है, 0। ये 0 कैसे आई इसकी डिग्री, तो भाई मैं देख सकता हूं कि ये सिर्फ एक नंबर लिखा है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, कोई भी एक्स वाई जेड इसके साथ नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वो है पर उसकी पावर कितनी है, 0। क्योंकि किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर इसके साथ एक्स वाई जेड नहीं है तो मैं लिख सकता हूं कि 6 इंटू में एक्स की पावर 0, ये क्या है, 6x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है और उससे मल्टीप्लाई होकर वापस वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं कह सकता हूँ उसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, और यहीं से उसकी डिग्री निकल के आई 0। ये बात समझ में आ रही है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, इस वजह से वो वेरिएबल हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो सिर्फ एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, तो उसे उसकी डिग्री कितनी होती है, 0, और उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोलते हैं शून्य बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शून्य बहुपद क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल, जिसकी जो सिर्फ नंबर होता है उसके साथ कोई एक्स वाई जेड यानी कोई वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल नहीं होने का मतलब है उसकी पावर कितनी है, 0, और पावर 0 का मतलब है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कैसे कैटेगराइज करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो जैसे कि हम डिग्री के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी पॉलिनोमियल, जब हम कहते हैं कि कोई भी एक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये है कि उसकी डिग्री जो होना चाहिए ना, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? होल नंबर, या हाँ होल नंबर ही कह सकते हैं कि उसकी डिग्री हमेशा एक कैसे होनी चाहिए, होल नंबर। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो कि 3x की पावर -3 प्लस 2, तो मैं पूछूं कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कैसी है? नेगेटिव। या अगर मैं बोल रहा हूं अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और अंडर रूट वाई का मतलब होता है वाई की पावर 1/2, और इनकी पावर फ्रैक्शन में, और पावर फ्रैक्शन में भी कभी हम नहीं लेते हैं, ना ही माइनस क्यों होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन क्यों होनी चाहिए। पावर 1/2, 1/3, यहाँ क्यूब रूट भी हो सकता है, ठीक है, पावर 1/4, पावर 1/5, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में अगर पावर है तो वो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, और माइनस में भी अगर पावर है तो उसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, अभी आपके एक्सरसाइज में आने वाला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बात और समझ लेंगे, जैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, मैंने लिखा, अब हम ज्यादातर बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। किसकी बात करेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, क्योंकि आपके बुक में जो कुछ मतलब कोर्स में जो रिलेटेड है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से रिलेटेड है, एक ही वेरिएबल वाला आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ ऐसा 2x² + 3x + 7, मैंने ये लिखा, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, और इस एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, और ये 7, इनको हम क्या बोलते हैं? ये 2 जो है इसका कोफिशियंट है, क्या है? कोफिशियंट, 2 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। कोफिशियंट क्या होता है? हिंदी में कोफिशियंट को बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं? गुणांक, यानी मैं कह सकता हूं 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक मतलब जो उसके उससे गुना हो रहा है, कोफिशियंट वो नंबर होता है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 2 जो है वो इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि उस किस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशियंट। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताओ, एक्स का कोफिशियंट बताओ, तो उसके लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कोफिशियंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है इस वाले क्वेश्चन के लिए, फिर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है? 2, और एक्स का कोफिशियंट कौन है? 3। मैं लिख सकता हूँ 3 इज कोफिशियंट, 3 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, कि 3 जो है एक्स का गुणांक है, 3 किसका गुणांक है? एक्स का। और अब ये क्या है? ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, 7 इज कांस्टेंट, जैसा कि आपको पता है ये चेंज नहीं हो सकता, तो
तो ये कांस्टेंट है, यानी कि सात अचर पद है, हिंदी में लिखेंगे अचर पद। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोफिशियंट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन है और जो कि आपको करना है कि जिसमें आपको कोफिशियंट निकालना होता है। तो और एक बात याद रखना है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 2x³ माइनस 7x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब मैं पूछूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो आप लिखेंगे माइनस 7। सिर्फ 7 नहीं लिखना है, ठीक है, माइनस 7 लिखना है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपका जब भी कोफिशियंट के आगे अगर माइनस है तो उस माइनस को भी आप लिखते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखूंगा तो वो कौन होगा, माइनस 7। माइनस 7 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू, कोई कोफिशियंट जो है नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को भी हम लिखेंगे, नेगेटिव साइन को भी साथ में लगाएंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके बेसिक्स समझ लिए सारे के सारे, अब हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो, कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको इसकी डिग्री बतानी है, जिसका पहला जो पार्ट है वो ये है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, आपको इसकी डिग्री बतानी है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं, कि पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इनमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की पावर 5 सबसे बड़ी पावर है 5, उससे छोटी पावर है 4, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर 5 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 5, खत्म, ठीक है। तो आपको इनमें सिर्फ डिग्री बताना है, तो जो कि आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में कह रहा है, क्वेश्चन है, मतलब इसका दे रखा है आपको 2 - y² माइनस y³ प्लस 2y की पावर 8। तो आप यहां पे देख सकते हैं साफ साफ कि सबसे बड़ी पावर कितनी है, 8, तो डिग्री कितनी हो गई, 8, ठीक है। और लास्ट पार्ट दे रखा है तीसरा, जिसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है 2, कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है 2। और मैंने आपको बताया था जब एक सिर्फ नंबर लिखा होता है तो उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 होती है, और इस वजह से इसे हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फिलहाल हमसे यहाँ पे डिग्री ही पूछा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 का मतलब है 2x की पावर 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री आ गई 0। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 इसको नोट कर लेंगे आप। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो आपके एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State the reason for your answer. कि इनमें से कौन सा polynomial in one variable है, ठीक है। हमें कैसा ढूंढना है, polynomial in one variable, कि polynomial भी होना चाहिए और एक variable वाला polynomial होना चाहिए, ठीक है, और कौन सा नहीं है, इसका हमें कारण भी बताना है, रीजन भी बताने कि हम ऐसा अपना जो आंसर दिया है ऐसा क्यों दे रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7, और आपको बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो आप बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और अगर आपसे इसका कारण पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, विच इज अ
नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर या होल नंबर, होल नंबर में भी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इस, वैसे नेचुरल लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, तो क्योंकि इस वेरिएबल, इसमें जो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, टू, और टू एक तरह का नेचुरल नंबर है। तो जब पॉलिनोमियल तभी होता है जब जो आपका डिग्री है वो एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है। डिग्री नेचुरल नंबर होती है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री टू है तो ये एक नेचुरल नंबर आपका पॉलिनोमियल है। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। फिर से पूछा है कि क्या इसमें भी बताना है आपको कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी भी डिग्री कितनी है, टू, ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। अरे यहाँ पे रूट इसके ऊपर है, टू के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पावर देखते हैं वो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर देखते हैं, नंबर के ऊपर, सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर क्या पावर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर से लेना देना है। तो वेरिएबल की पावर अगर टू है और उसकी पावर भले ही वन अपॉइंट टू है फ्रैक्शन में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल की पावर टू होने की वजह से ये एक पॉलिनोमियल है। इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, ठीक है, ये प्लस का साइन है और वो टी है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब बताओ कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हेयर टी की पावर कितनी है, वन अपॉइंट टू। रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर वन अपॉइंट टू, तो विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एक बात और याद रखनी है आपको, ये नहीं है कि सबसे बड़ी पावर ही नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कोई सी भी पावर, चाहे वो सबसे बड़ी डिग्री है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पावर तो यहाँ पे वन है और इससे छोटी पावर वन अपॉइंट टू है, तो ये नहीं कि इसकी पावर को देखेंगे। यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल अगर उसमें आ जाता है, रूट में आ जाता है, यानी कि फ्रैक्शन में उसका पावर आ जाती है या माइनस में पावर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वो एक वेरिएबल, सॉरी, वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ साथ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट फोर, ये मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना पॉज करके। पार्ट फोर में दे रखा है वाई प्लस टू अपॉन वाई, y प्लस टू अपॉन वाई, इसको पूछा है कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला y है, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, जब, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज़ अपॉन में होती है उसको आप ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर किस में हो जाती है, माइनस में। तो यहाँ पे भी पावर किस में हो गई, पावर नेगेटिव हो गई, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे बस, हेयर वाई की पावर माइनस वन लिखेंगे, ठीक है। तो डिग्री वन ऑफ द, ऐसे लिखोगे, लिखवा देता हूँ मैं, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द डिग्री इज माइनस वन, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब एक वेरिएबल की पावर माइनस वन है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, जिस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और
इसका लास्ट वाला पार्ट है, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट में आपको दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, पर हमसे पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं तीन अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट अ, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कि ये पॉलिनोमियल तो है बट वो एक वेरिएबल में नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो इसमें आपको बोला है कि राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखना है। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। और मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोफिशियंट क्या होता है। कोफिशियंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो हम अगर इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं होने का मतलब है ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वन से। तो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा? वन। तो हम लिखेंगे द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। ठीक है, तो द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। हिंदी में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर वन हिंदी मीडियम में नहीं लिखवाया ना, चलो मैं बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, वैसे उसमें करना कुछ नहीं था, उसमें आपको बताना था कि ये एक बहुपद है या नहीं है। तो आपको जोन सा उसमें था पॉलिनोमियल, जोन सा बहुपद था, तो आप लोगों के यह एक बहुपद, एक चर में बहुपद है। ठीक है, और जो नहीं था आप लिखेंगे वो यह एक एक चर में बहुपद नहीं है। और इसका कारण कारण एक बार था कि इसकी घात किसमें है? एक बटे दो है, जो कि एक परिमेय संख्या, सॉरी, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको हर बार ये लिखना है कि प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है 2 - x² + x³। ठीक है, अब यहां भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखना है। हर बार आप यही लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई तो हमें होता हुआ दिख नहीं रहा, पर इसके आगे हमें माइनस जरूर दिख रहा है। इसका मतलब है इसका कोफिशियंट कितना है? -1। आगे की लैंग्वेज आप लिख लेंगे और कोफिशियंट आप इसका क्या है? -1। तीसरा पार्ट है इसका π/2 x² + x। यहां पे इसका कोफिशियंट कितना हो गया? π/2। तो ये ऐसे लिखेंगे द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। और चौथा क्वेश्चन है, इसका चौथा पार्ट है √2x + 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा है और एक्स स्क्वायर तो यहां पे है ही नहीं। ठीक है, जिसका कोफिशियंट पूछा है वही नंबर नहीं है, वही वेरिएबल नहीं है। तो यानी कि उसका कोफिशियंट कितना है? 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है? 0। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ डिग्री 100। यानी आपको एक बाइनोमियल देना है जिसकी बनाना है, मतलब जिसका डिग्री 35 हो, और एक और ऐसा बाइनोमियल बनाना है जिसका डिग्री कितना हो? 100। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलती कर दी।
डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी एक बाइनोमियल बनाना है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो ऐसा आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे x आपको बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला, दो टर्म वाला आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 35। तो आप लिख दो x की पावर 35 प्लस y, हो गया, ठीक है। और एक बाइनोमियल, एक मोनोमियल बनाना है जिसकी पावर कितनी हो, 100। तो भाई ऐसा कुछ भी लिख दो, 3a की पावर 100, 3a की पावर 100, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने अपनी मर्जी से a लिख दिया। तो जरूरी नहीं है आप हर बार x ही लगाएं, आप a b c भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है, ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें यही पूछा था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सारे पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा हम देख चुके हैं कैसे करते हैं, हमें पता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है वही देखनी है, तो इसकी डिग्री बतानी है। आप लोग बता सकते हैं कि डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है, 3, तो इसकी पावर डिग्री कितनी हो गई, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, बताओ जल्दी से, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, ऊपर कुछ नहीं लिखा तो डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, सिर्फ नंबर लिखा है, और मैंने बताया जब नंबर लिखा होता है सिर्फ, तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज का, वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर कौन होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक कौन होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। और क्यूबिक कौन होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, ठीक है। तो आपको इनमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक है। आप इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी दिखी, 2, तो ये क्या निकला, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो क्या निकला, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो क्या है ये, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो क्या है ये, लीनियर। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये क्या है, लीनियर। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो क्या है, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो क्या है, क्यूबिक। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो कि जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2।